का जश्न मनाएगी माकपा। सेंट्रल कमेटी ने किया सभी पार्टी कार्यालय पर झंडारोहण का फैसला। बाढ़ ने मचाया हाहाकार, गांव से लेकर शहर तक घुसा पानी, अब कई रूट की ट्रेनें बंद। संसद के हंगामे पर चीफ जस्टिस एनबी रामना ने जताई चिंता, बोले बिना उचित बहस के पास हो रहे कानून। स्वतंत्र दिवस कार्यक्रम में बीजेपी के बड़े नेताओं को नहीं दी गई एंट्री, पुलिस ने रोका। उड़ीसा में बीजेडी का बड़ा ऐलान, आगे चुनावों में ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व होगी पार्टी की 27% सीटें। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी भारती समाचार, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फिरोजाबाद की पुलिस लाइन परिसर में पुलिस के जवानों ने परेड की। वहीं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने झंडारोहण किया। इस दौरान पुलिस के जवानों को देश के प्रति सच्ची ईमानदारी के साथ सेवा करने की शपथ दिलाई गई। आज 15 अगस्त यानी देश का सबसे बड़ा पर्व, देश की 75वीं आज़ादी की सालगिरह पर आज फिरोजाबाद पुलिस परिसर में बड़ी ही धूमधाम से पर्व मनाया गया। इस मौके पर पुलिस लाइन परिसर में पुलिस के जवानों ने परेड की। पुलिस कप्तान अशोक कुमार ने ध्वजारोहण किया और पुलिस के जवानों को शपथ ग्रहण कराई गई। कार्यक्रम के दौरान पुलिस के जवानों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। पूरे जनपद को फिरोजाबाद पुलिस परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई स्वतंत्रता दिवस की। आज हमारे कई कर्मी का प्रमोशन हुआ है, उनको हम लोगों ने स्टार पहना है, बहुतों की तारीफ की गई है, उनको प्रशस्ति पत्र दिया, मिठाइयाँ बांटी, खुशियाँ बांटी। सबसे बड़ी बात, हमने एक संकल्प लिया कि हमारी आज़ादी जो मुझे मिली थी, इसे स्वाधीनता दिवस कहते हैं, वो अभी कभी कई मामलों में अधूरी है। संकल्प में हमने पढ़ा कि हमें अस्पृश्यता को दूर करना है, हमारे संविधान में निहित है। तो उसके साथ साथ हमारा ये भी कहना है, अभी हमारी आज़ादी आर्थिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे मिलनी है, तो हमारा यही संकल्प है आज के दिन, इस आज़ादी को हर तरह से हम लोग मुकम्मल करेंगे, ये हमारा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच शुक्रवार देर रात मुठभेड़ हो गई, जब पुलिस ने सर्विलेंस के माध्यम से बीती 10 अगस्त से अपहृत एक 7 वर्षीय बच्चे वंश की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा बांगोवाली गांव के जंगल में टारगेटिंग अभियान चलाया गया था। अपहरणकर्ताओं ने खुद को घिरता देख पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसमें पुलिस टीम के 2 कांस्टेबल हरेंद्र और सोनू बदमाशों की गोली लगने से घायल हो गए। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 बदमाश दीपक, सुनील और मोहित भी घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराकर मौके से 1 मस्कट, 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद किए हैं। तो वहीं पुलिस ने घटनास्थल के पास ही बंद पड़े एक ईंट भट्टे के कमरे से अपहृत बच्चे वंश को भी सकुशल बरामद कर लिया है। ये थाना मंडी क्षेत्र में एक बच्चा जिसकी उम्र करीब 6-7 वर्ष थी, सूचना मिली थी कि वो 10 तारीख से ही अपने घर नहीं पहुँचा है, और सूचना मिलते से ही पुलिस टीम एक्टिव हो गई थी। पुलिस ने टीम लगा दी थी कि बच्चा कहाँ गुम हो गया है, और पिछले 2-3 दिन से इसी काम में लगी हुई थी। आज सुबह ही ये सूचना मिली थी कि जो बच्चे को ले गए थे उन्होंने कुछ रैंसम भी डिमांड किया फैमिली वालों से, और फिर सर्विलांस के थ्रू और जो भी लोकल इंटेलिजेंस के थ्रू हमारी टीम यहाँ लगी हुई थी, और अभी रात ही में सूचना मिली थी और सर्विलांस से भी लोकेशन आ रहा था कि बागोवाली के आसपास इन लोगों का लोकेशन है। पुलिस टीम ने एरिया को घेरा और कॉम्बिंग वगैरह की, और कॉम्बिंग करते समय एक भट्टे के जो कि बंद पड़ा था वहाँ से बदमाशों ने कुछ राउंड फायर किए और पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई। इसमें जो 3 बदमाश थे उनके पैर में गोली लगी, पुलिस के भी 2 लोगों को गोली लगी, और उसके पश्चात पुलिस ने आसपास के एरिया को ढूंढा जहाँ पे एक भट्टे में बंद जो कमरा था उसमें बच्चा जो कि जिसका नाम वंश है वो मिल गया है, और जो पुलिस वाले और जो 3 बदमाश है तीनों को हॉस्पिटल ले जाया गया है प्राथमिक उपचार के लिए, और अभी आगे की जानकारी की जा रही है कि इनमें कौन कौन लोग थे, और इसमें हम उसी के हिसाब से आगे भी कार्रवाई करते हैं। क्या बदमाशों की कोई पहचान हो पाई है सर? 3 लोग हैं अभी तक की जानकारी में मिला है, जो दीपक और सुनील और मोहित। दीपक और सुनील कुटबी गांव के रहने वाले हैं, मोहित शाहपुर का रहने वाला है, और अभी इनसे हम जानकारी कर रहे हैं कि इन्होंने
किस की सूचना पे या किस मोटिव पे ये बच्चे का अपहरण किया। सर इस गुरुवर को कैसे देखते हैं? ये काफ़ी प्रशंसनीय है, खासकर मंडी पुलिस और सर्विलांस टीम द्वारा, क्योंकि 3 दिन से ये टीम लगी हुई थी और इसके पीछे, क्योंकि 6 साल का बच्चा था, कोई मोबाइल वगैरह इसके पास नहीं था, लेकिन काफ़ी सारी CCTV फुटेज देखी गई, नंबर्स के बारे में जानकारी दी गई और अल्टीमेटली इसमें सक्सेसफुल रहे बच्चे को बरामद कर। क्या कोई टीम को कोई रिवार्ड वगैरह दिया जाएगा सर? बिल्कुल, टीम इसके लिए रिकमेंड किया जाएगा और जो भी अच्छे अधिकारी इसके लिए रिवार्ड देंगे वो हम। ठीक है सर, वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जावेद चमाशेवी व पत्रकार फरुखाबाद की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपक सिंह प्रधानपति ग्राम सभा भगुआ नगला ब्लॉक बड़पुर फरुखाबाद की तरफ से देशवासियों एवं जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुरेंद्र सिंह ब्यूरो चीफ डीवी भारती समाचार फरुखाबाद की तरफ से जनपद वासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जिला अधिकारी ने फहराया तिरंगा। बरेली जनपद के जिला अधिकारी कार्यालय में DM नीतीश कुमार ने तिरंगा फहराकर देशवासियों को और जनपद वासियों को सुरक्षित रहने और कर्तव्य परायणता के मार्ग पर चलकर अपने शहर को और तरक्की की ओर ले जाने की बात कही। जिला अधिकारी नीतीश कुमार का कहना है, सभी जनपदवासी अगर अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी तरह से करें तो हमारा शहर ही नहीं बल्कि हमारा देश भी तरक्की करेगा और हम अपने कर्तव्यों का पालन कर अपने शहर की गरिमा को और आगे बढ़ाएंगे। सभी शहरवासियों और जनपदवासियों को ये संदेश है कि और कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन करें। इसके साथ ही उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। सप्लाई को लेके आ देते हैं, वो रात को कई कई बार 16-16, 18-18 घंटे चला देते हैं कि नहीं हमें पहुंचाना है, समय से पहुंचाना है। तो उनके हम कार्यों को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। कई लोग हैं कि ऊपरे स्तर पे देखते हैं, लेकिन जो हर एक व्यक्ति कैसा कार्य कर रहा है, कई कई बार जो ऑक्सीजन प्लांट हमारे 24 घंटे खुले रहे, लोग बदलते थे, लेकिन नहीं, ये हमको जान बचानी है, मैक्सिमम जितना हम कर सकते हैं हम कर सकते हैं। उन लोगों ने किया, अपना प्रयास किया और इसी का प्रयास है कि हम लोगों ने मृत्यु दर को कम से कम करने का प्रयास किया। और जो उसके बावजूद भी जिन लोग मृतक हुए हैं उनको सबको इस सभा से मैं श्रद्धांजलि देता हूं और हम लोग को एक प्रेरणा देते हैं वो कि हम लोग अपनी संस्थाओं को इतना बेहतर करें कि हम लोग मृत्यु दर को कम से कम कर पाए। यही हमारे लिए सीख होनी चाहिए, हम सभी लोगों के लिए सीख होनी चाहिए कि कैसे हम अपने हर एक चीज से सीखना चाहिए कि कैसे हम चीजों को सीखे, चीजों को बेहतर बनाने का प्रयास करें और ये हमेशा प्रयास करना चाहिए आदमी को कि हम अच्छा करने का प्रयास करें। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में बजरंगी चौक पर आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर 101 फीट ऊंचा तिरंगा विधायक राघवेंद्र सिंह द्वारा फहराया गया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष शीतल सिंह, SDM त्रिभुवन, CO अजय कुमार समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे।
शहीदों के नाम पे फहराए गए तिरंगे पर लोगों में काफी उत्साह रहा। जिले में पहली बार 101 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया गया है। विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पहली बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों में इतना उत्साह रहा। रास्ते में जगह जगह पर लोग खुशी में झूम रहे थे। पहली बार 101 फीट की ऊंचाई पर झंडा लहराने से लोगों में खुशी की लहर दौड़ी। आपने जिस प्रकार से मेरे आवास हिंदू भवन डुमरियागंज से आते समय जनता का उत्साह देखा, उससे यह लग रहा था कि स्वतंत्रता के बाद डुमरियागंज में पहली बार स्वतंत्रता मिली है और आज़ादी मिली है कि इस प्रकार यहाँ की जनता खुल करके, यहाँ का नौजवान, यहाँ का बड़ा, यहाँ का बूढ़ा, यहाँ का बुजुर्ग सड़कों पे झंडे लेकर के उत्साहित होकर भारत माँ के जयकार कर रहा था। सारे कस्बों में, सारे नुक्कड़ नुक्कड़ के जगहों पर, और आज पहली बार पूरे जनपद में 101 फीट का ऊंचा तिरंगा ध्वजारोहण हुआ है। ये डुमरियागंज महत्वपूर्ण भूमिका के साथ अपनी भूमिका निर्वहन किया है। डुमरियागंज में सभी वर्गों का, सभी समुदाय का, सभी लोगों का इस उत्साह में साथ होना डुमरियागंज और सिद्धार्थनगर के लिए शुभ संकेत है, जो आने वाले दिनों में हमारे पुराने छूटे हुए इतिहास, जो अमरगढ़ शहीद स्थल के नाम पर अगर इसको अभी देखा जाएगा तो मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में बलिदानियों का इतना बड़ा इतिहास कहीं रहा नहीं। हमारे यहाँ आमी नदी के उद्गम स्थल का इतिहास हो, भगवान बुद्ध के प्रवास का इतिहास हो, ये सारे, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक धरती है। और आज से इस लड़ाई का, इस बजरंगी चौक से शंखनाद और शुभारंभ होने जा रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।